नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर डीबीटी योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया। शासन का आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा कस्बा व क्षेत्र के गांव पिमोड़ा में डीबीटी योजना को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। शुक्रवार को शासन के आदेश अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद शर्मा के निर्देश पर कस्बे व क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया तथा हाथ उठाकर छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सर्व समाज को शिक्षा का महत्व बताते हुए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही डीबीटी योजना व शिक्षा का महत्व बताया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक कर रहे कलाकारों के द्वारा नाटक के माध्यम से निपुण भारत कैसे बनेगा तथा हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है तथा शासन द्वारा डीबीटी योजना क्यों चलाई गई है, डीबीटी योजना का लाभ क्या है, इस योजना के बारे में एआरपी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना में 1200 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि सीधे अभिभावक के खाते में जा रही है, जिससे अभिभावक बच्चों को जूते, यूनिफॉर्म, मोजे, बैग व स्वेटर आदि खरीद कर दे सके। जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें अपने विद्यालय को कैसे निपुण बनाना है, विद्यालय के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उसके लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और इस नाटक के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यह बताया गया कि हमारे विद्यालयों में सरकार के द्वारा 1200 रुपये प्रति बच्चा धनराशि अभिभावकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित की जा रही है, जिसके अंतर्गत बच्चे के लिए पूरी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जर्सी, सूज, मोजे, ये सब बच्चे को उपलब्ध कराना है। साथ के साथ प्रत्येक बच्चे को, कोई भी बच्चा हमारे गली मोहल्ले गांव से ऐसा ना छूटे कि वो शिक्षा से वंचित हो जाए। और बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया गया। दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप से हम बच्चे की दक्षता का कैसे आकलन कर सकते हैं, कैसे बच्चे को दक्षता प्राप्त करा सकते हैं, उन सब बातों पर बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण हमारी नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा दिया गया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।